दोस्तों आइए हम लोग आज एक विशेष छोटे से टॉपिक पर बात करते हैं। तो ये देखिए, ये मेरे पास जेरेनियम के तीन बहुत बढ़िया से बढ़िया पौधे थे और इनमें बहुत ज़बरदस्त इस साल फ्लावरिंग हुई और ये मार्च का लास्ट चल रहा है तो अब इनकी फ्लावरिंग की ये हालत हो गई है। तो बहुत सारे नर्सरी वाले कहते हैं कि परमानेंट प्लांट है, पर मुझे नहीं लगता है ये परमानेंट प्लांट है। कभी भी मैंने इनको नहीं देखा पूरे साल फूल खिलते हुए या पौधा बचता ही नहीं है। पर हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि हम इसमें जो है इनमें बहुत सारे सीड्स इनके हम अगले साल के लिए ज़रूर इनके बहुत आसानी से लग जाते हैं, जो मैंने कई बार लगाए हैं। तो ये देखिए कि इस तरह से होते हैं इनके सीड। ये देखिए, यहाँ पर इनकी एक जो सीड पॉट होता है, देखिए ये सीड पॉट है इसका, तो एक सीड पॉट में करीब 4-5 सीड निकलते हैं। देखिए इस तरह से ये निकल रहे हैं, ये जो सीड आप देख रहे हैं ना, ये इसका सीड होता है। और देखिए मैंने इतने सारे सीड इनके कलेक्ट कर लिए हैं। और जैसे अडेनियम का सीड होता है, देखिए मैं इसको यहाँ से निकालता हूँ, ये देखिए, ये देखिए जैसे अडेनियम का सीड होता है और उसमें रोएं जैसे होते हैं, ये सेम ये उसी तरह का होता है। और ये हवा में उड़ भी सकता है, उड़ जाता है, बहुत हल्का होता है। इसको बड़ी बड़ी सावधानी से इसको कलेक्ट करना पड़ता है। तो मैंने इतने सारे सीड्स यहाँ से कलेक्ट कर लिए हैं, तो ये अगले साल ज़रूर बहुत आसानी से लग जाएंगे, बहुत बढ़िया काम आएंगे। तो ऐसे आप इनमें रखिए, तो मैं तो भूल जाता हूँ कभी कभी, इनमें से बहुत सारे सीड निकलते रहते हैं। तो इस वाली वैरायटी में ये जो मेरा एकदम रेड था, इसके मैंने सीड नहीं इकट्ठे कर पाए। तो मैंने इस वाले वैरायटी का तो मैंने बहुत सारे सीड कलेक्ट कर लिए हैं। तो दोस्तों आप भी यदि गार्डनिंग के शौकीन हैं तो अपने अगले साल के लिए ऐसे सीड्स को कलेक्ट करते रहिए। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और ये वीडियो आपको अच्छा लगा, तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।